Hello everyone, welcome again. This is Vinay Pandey. Topology of real numbers का आज second video मैं आपके सामने लेकर के आया हूँ. जो last video हमने किया था उस video में हमने neighborhood और deleted neighborhood के बारे में पढ़ा था, intervals के बारे में पढ़ा था और कुछ properties मैंने आपको बताई थी. तो जिसने भी वो video नहीं देखा है वो description में जा करके उसका link से वो वीडियो देख सकता है. आज का जो सेकंड वीडियो है टोपोलॉजी ऑफ रियल नंबर्स रियल एनालिसिस का, उसमें हम थ्योरम्स और कुछ न्यूमेरिकल मैं नेबरहुड के आपको करवाने जा रहा हूँ. पहली जो थ्योरम लिखी हुई है उस थ्योरम को आप देखिए क्या प्रूफ करना है इसमें. एनी सुपरसेट ऑफ द नेबरहुड ऑफ अ पॉइंट इज ऑल्सो अ नेबरहुड ऑफ दैट पॉइंट. नेबरहुड के बारे में अगर हम बात करें, जो मैंने लास्ट वीडियो में आपको बताया था, कोई भी पॉइंट ए लिया हमने, इस ए पॉइंट के लिए आपको कोई भी एक सेट एन दिया हुआ है, इस एन को हम, इस इंटरवल एन को हम ए का नेबरहुड कब कहेंगे, जब ए को कंटेन करने वाला आपको क्या मिलना चाहिए, एक ओपन इंटरवल आई मिलना चाहिए और ये आई किसका सबसेट होना चाहिए, एन का. अगर ऐसी कंडीशन सेटिस्फाई हो गई तो एन क्या होता था, इस पॉइंट ए का नेबरहुड होता था. तो ये हमने देखा था इसके पहले वीडियो में. इसके बाद मैंने आपको बताया था कि कोई भी ओपन इंटरवल अगर है तो वो ओपन इंटरवल अपने सारे पॉइंट्स का क्या आ रहा था, नेबरहुड आ रहा था, वो देखा था हमने. दूसरा पॉइंट हमने देखा था कि कोई भी क्लोज इंटरवल अगर हम ले रहे हैं तो वो भी अपने सारे पॉइंट्स का नेबरहुड होगा, लेकिन जो एंड पॉइंट्स उसमें होंगे उन एंड पॉइंट्स को छोड़ करके बाकी जितने पॉइंट्स हैं उन सब का वो क्या होगा, नेबरहुड होगा. नेचुरल नंबर्स के केस में हमने देखा था वो किसी का भी नेबरहुड नहीं होता. रियल नंबर्स के केस में देखा था कि सेट ऑफ रियल नंबर्स इज नेबरहुड ऑफ ईच ऑफ इट्स पॉइंट्स. ये चार प्रॉपर्टीज हमने देखी थी. तो इन चारों प्रॉपर्टीज को ध्यान में रखते हुए इसका प्रूफ मैं आपको करा रहा हूँ. तो हम ये मान लेते हैं कि लेट n is a neighborhood of small a. अगर n a का नेबरहुड है, a हमने कोई भी पॉइंट लिया, n आपको कोई भी इंटरवल आपको दिया हुआ है, तो ये n इंटरवल क्लोज भी हो सकता है ओपन भी हो सकता है. सपोज ये n इंटरवल है यहां से यहां तक, तो क्योंकि n इस a का नेबरहुड है तो a को कंटेन करने वाला कोई भी ओपन इंटरवल आपको लेना है, छोटे से छोटा ओपन इंटरवल या कितना भी बड़ा आप इंटरवल लो जो इसके अंदर आना चाहिए, क्योंकि एन इसका एक नेबरहुड है तो एन के अंदर आपको एक ओपन इंटरवल ऐसा मिलेगा जो ए को कंटेन करेगा. तो वो ओपन इंटरवल आप क्या मान सकते हो, इसमें छोटी सी लेंथ एप्साइलन ले लीजिए इसको आप. तो देयरफॉर बाय डेफिनेशन ऑफ नेबरहुड क्या होगा, देयर एग्जिस्ट एन ओपन इंटरवल आई. आई हम मान लेते हैं एक ओपन इंटरवल क्या, ए माइनस एप्सिलॉन और ए प्लस एप्सिलॉन. इंटरवल किसी भी फॉर्म में हो सकता है, तो ये ए माइनस एप्सिलॉन और ए प्लस एप्सिलॉन ये इंटरवल है. तो ए को तो कंटेन करेगा ही, सच दैट जो ए है वो किस में आ रहा है, आई में आ रहा है और आई किसका सबसेट है, एन का. ये सब हम क्यों यूज कर रहे हैं, क्योंकि ये सब आपको गिवन है इसमें, इस थ्योरम में गिवन है कि एन इसका एक नेबरहुड है. अगर एन ए का नेबरहुड है तो एन के अंदर आपको एक ओपन इंटरवल मिलेगा जो किसको कंटेन करेगा, ए को. और ये आई हमने यहां पे क्या लिया हुआ, ए माइनस एप्सिलॉन और ए प्लस एप्सिलॉन का ओपन इंटरवल. लेट एम इज अ सुपरसेट ऑफ एन, दैट इज अगर m n का सुपरसेट है तो इसका मतलब n किसके अंदर कंटेन्ड है, m के अंदर कंटेन्ड है. इसको इक्वेशन वन और इक्वेशन टू इसको मार्क कर लेते हैं. अब इक्वेशन वन और टू को ध्यान से देखिए, आपको इसका थ्योरम का प्रूफ इजीली समझ में आ जाएगा. फ्रॉम वन एंड टू, a किसके अंदर आ रहा है, i क्या है, ओपन इंटरवल, और i किसके अंदर आ रहा है, n, और n किसके अंदर आ रहा है, m के अंदर. और इसको अगर हम देखें, इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, एन को हटा दिया मैंने. तो देखिए आप, एम एक इंटरवल ऐसा है, इट मे बी क्लोज्ड और ओपन, कुछ भी हो सकता है. ये एम एक ऐसा इंटरवल है जो एक ओपन इंटरवल आई को कंटेन कर रहा है,
और ओपन इंटरवल आई को कंटेन कर रहा है, और इसके साथ साथ ये ओपन इंटरवल किसको कंटेन कर रहा है, ए को कंटेन कर रहा है, उस पॉइंट को कंटेन कर रहा है। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, देयरफोर ये जो एम इंटरवल था, देयरफोर एम इज ऑल्सो अ नेबरहुड ऑफ स्मॉल ए। यही हमको यहाँ पे प्रूफ भी करना था कि कोई भी जो नेबरहुड आपको दिया हुआ है उसके जितने सुपरसेट आप लोगे वो सारे सुपरसेट्स भी उसके लिए, उस पॉइंट के लिए किसका हम करेंगे, नेबरहुड का। ये तो मैंने थ्योरम का आपको प्रूफ बताया, एक न्यूमेरिकली एक एग्जांपल से आपको इसको मैं और एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ। जैसे मैं 2.3 का इंटरवल ले रहा हूँ और एम मैंने ले लिया 1.4। आप देखिए दोनों में यहाँ पे आपको क्लियरली समझ में आ रहा है कि n क्या है, m के अंदर कंटेंड है। अब एक पॉइंट मैंने ले लिया 2.5, a हमने 2.5 लिया, तो क्या ये n जो है इस a का नेबरहुड है? तो आप देखिए 2.5 ये होगा, 2 ये है, 3 ये है, और दूसरा इंटरवल क्या है, 1.4। आप देखिए 2.5 को कंटेन करने वाला कोई भी ओपन इंटरवल आपने लिया वो किसके अंदर आ रहा है, इस 2.3 के अंदर आ रहा है। तो इसका मतलब n क्या हो गया, इस 2.5 का नेबरहुड हो गया। इसी के साथ साथ ये भी देखिए आप कि जो 2.5 को कंटेन करने वाला ओपन इंटरवल था वो इस 1.4 के इंटरवल के अंदर भी आ रहा है जो m है। तो हम सीधा सीधा ये भी तो कह सकते हैं कि m क्या है, इस 2.5 का भी नेबरहुड हो गया। फिर तो n के जितने सुपरसेट आप लेते रहेंगे उतने सारे के सारे जो सुपरसेट्स बनेंगे वो इस 2.5 या a का क्या होगा, नेबरहुड होगा। अगर ये सबसे छोटा जो n हमने लिया था ये नेबरहुड है, तो अगर ये नेबरहुड है तो इसके सारे सुपरसेट्स क्या हो जाएंगे, नेबरहुड हो जाएंगे। तो आइए स्टूडेंट्स अब देखते हैं कुछ न्यूमेरिकल्स मैंने लिखे हुए हैं नेबरहुड पे बेस्ड। अगर आपको थ्योरम और उसके प्रॉपर्टीज क्लियर हैं तो ये न्यूमेरिकल्स को बड़े ईजिली आप सॉल्व कर सकते हैं। गिव एन एग्जाम्पल ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग, आपको हर एक केस का एक एक एग्जाम्पल देना है। अ सेट विच इज अ नेबरहुड ऑफ ईच ऑफ इट्स पॉइंट्स, आपको याद होगा अभी मैंने प्रॉपर्टी आपको रिवाइज भी कराई थी और पहले के वीडियो में मैंने आपको पूरा डिटेल में एक्सप्लेन भी किया था कि एक कोई भी ऐसा ओपन इंटरवल अगर आप ले रहे हैं तो ओपन इंटरवल क्या होता है, अपने हर एक पॉइंट का क्या होता है, नेबरहुड होता है। तो यहाँ पर आपको वो एग्जाम्पल बताना है जो अपने हर एक पॉइंट का नेबरहुड हो। तो कोई भी ओपन इंटरवल आप लिख सकते हैं, जैसे मैंने ले लिया 4.5 का ओपन इंटरवल, क्योंकि ये ओपन इंटरवल है और ओपन इंटरवल क्या होता है, अपने हर एक पॉइंट का क्या होता है, नेबरहुड होता है। तो ये अपने हर एक पॉइंट का क्या होगा, नेबरहुड होगा। तो कोई भी ओपन इंटरवल आप लिख सकते हैं। सेकंड, अ सेट विच इज नॉट अ नेबरहुड ऑफ एनी ऑफ इट्स पॉइंट्स, एक एग्जाम्पल सॉरी एक प्रॉपर्टी मैंने जो आपको बताई थी वो ये थी कि नेचुरल नंबर्स का जो कलेक्शन होता है वो अपने किसी भी पॉइंट का नेबरहुड नहीं होता। तो कोई भी नेचुरल नंबर का ये कलेक्शन आप लिख लीजिए 1, 2, 3, 4, 5, तो ये किसी भी पॉइंट का नेबरहुड नहीं होगा। सेकंड, थर्ड, अ सेट विच इज अ नेबरहुड ऑफ ईच ऑफ इट्स पॉइंट्स विद द एक्सेप्शन ऑफ वन पॉइंट, एक पॉइंट को छोड़ करके बाकी अपने सारे पॉइंट का वो नेबरहुड होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं 1.2 यहाँ से क्लोज लगा दिया, यहाँ से ओपन लगा दिया, क्योंकि ओपन तो अपने सारे पॉइंट्स का नेबरहुड होता था। अब ये जो पॉइंट, ये जो मैंने इंटरवल लिखा है, ये किस पॉइंट का नेबरहुड नहीं है, जिस साइड से ये क्या होगा, क्लोज होगा। तो इसका मतलब ये 1 का नेबरहुड नहीं है और बाकी जितने पॉइंट्स इसके बीच में आएंगे, इसके अंदर आएंगे, वो सारे के सारे पॉइंट्स का ये क्या होगा, नेबरहुड होगा। 1 का नेबरहुड क्यों नहीं है, पहले के वीडियो में बता भी चुका हूँ और फिर यहाँ पर दोबारा मैं अगर रिपीट करूँ तो 1 को कंटेन करने वाला अगर आप कोई भी इंटरवल लेंगे, वो छोटा सा छोटा जो भी ओपन इंटरवल आप लोगे वो इसके अंदर नहीं आ पाएगा, और इसके अंदर नहीं आ पाएगा तो फिर उसका वो नेबरहुड नहीं होगा। ये थर्ड पार्ट का आंसर हो गया। और इसी तरीके से लास्ट पार्ट क्या है, फोर्थ पार्ट, अ सेट विच इज अ नेबरहुड ऑफ ऑल इट्स पॉइंट्स एक्सेप्ट एन पॉइंट्स। फॉर एग्जाम्पल जैसे मैंने ले लिया कोई भी आप एक ओपन इंटरवल लीजिए और उस ओपन इंटरवल का हम यूनियन ले लेते हैं, जैसे 0.1 यूनियन 1, 2, 3 से लेकर के n। इस पूरे सेट को ध्यान से देखिए आप, इसके बीच में जितने पॉइंट्स आएंगे उनका ये नेबरहुड होगा, क्योंकि ये किसका कलेक्शन मैंने लिया है, नेचुरल नंबर्स का। तो अगर मैं 1 की बात करूं तो 1
का ये नेबरहुड नहीं होगा, क्योंकि वन को कंटेन करने वाला जो भी ओपन इंटरवल आप लेंगे वो इस सेट के अंदर नहीं आएगा, टू का भी नहीं होगा। ये नेचुरल नंबर्स का कलेक्शन है और नेचुरल नंबर्स के कलेक्शन में वो सेट नेबरहुड का काम नहीं करता। तो टोटल कितने पॉइंट्स हैं इसमें, एन। तो ये जो सेट है ये सेट इन एन पॉइंट्स का क्या होगा, नेबरहुड नहीं होगा, और यही हमको यहाँ पर बताना भी था। तो बहुत सिंपल न्यूमेरिकल्स हैं, अगर आपको नेबरहुड का कंसेप्ट क्लियर है तो बड़े इजीली आप इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं, और इसके अलावा बहुत सारे अलग अलग एग्जांपल्स और भी निकाल सकते हैं। तो आज के वीडियो में मैंने आपको एक थ्योरम कराई और कुछ न्यूमेरिकल्स कराए। पहले वीडियो को भी आप ध्यान से देखें, क्योंकि पहले वीडियो सबसे मेन वीडियो है नेबरहुड का। जल्दी नेक्स्ट वीडियो भी मैं आपके सामने लेकर के आऊँगा, जिसमें हम ओपन सेट्स के बारे में पढ़ेंगे।